हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित धवन हूँ और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आई प्रैक्टिस इन होम्योपैथी एंड आई प्रैक्टिस इन दिल्ली। आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन को, जो बीपी जिसे आजकल बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, इतने लोग टेंशन में रहते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लोगों को यंग एज में भी आजकल जो है तंग कर रही है, और हम आज आपको उसके लिए कुछ टिप्स भी देंगे और आपको बताएंगे कि कन्वेंशनली जो पुराने एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या मॉडर्न मेडिसिन है, वो क्या ट्रीटमेंट दे रही है उसके बारे में, और हम उसमें आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सो आज मैं आपको सबसे पहली एक बात बताना चाहूँगा कि बीपी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। बीपी जो एक बीमारी है, एक अंदरूनी, एक अंडरलाइंग कॉज है उसका, जो अंदरूनी कोई बीमारी है जिसकी वजह से बीपी हाई होता है किसी का भी। और इसके सिम्टम्स, कुछ लक्षण जो होते हैं, वो कि इस तरह से होता है कि आपको थकान लगती है, आँखों में ब्लर्ड विजन होता है, कि मतलब आपको धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, या कभी कभी नाक में से खून आ जाना, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण उसके आते हैं। इससे ये दो तरीके का होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, एक तो नॉर्मल जो रेगुलर जो लोग होता है थोड़ा सा, और वो कोई दिक्कत नहीं दे रहा और हमें पता भी नहीं चल पाता। इसलिए हम ज़रूर बोलते हैं कि आप कभी ना कभी जब भी डॉक्टर के आसपास जाएं, तो एक बार उनसे ज़रूर बोलिए कि एक अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और कि आप हमारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, और अगर उसमें हाई आता है तो आप उसको कॉज जो है उसका, उसको हम ठीक करें। उसको ठीक करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन में आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे हैरानी की बात है, उसका सिर्फ मैनेजमेंट है कि मतलब आपका बीपी हाई है तो बीपी लो करने की दवाई है, लेकिन बीपी क्यों बढ़ रहा है उसको ठीक करने की कोई दवाई नहीं है। लोग बीसियों साल तक दवाइयाँ लेते रहते हैं, उसकी वजह से, जो बीपी की वजह से दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसे हम मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। वैसी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, आँखों के नीचे सूजन आ जाना, टांगों में सूजन आ जाना, यूरिन में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म इतने ज़्यादा लेने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों ना उसको शुरुआत में ही, जब वो आपको पता चला है, उसके रूट कॉज को हम ठीक कर दें होम्योपैथी के द्वारा, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ही ना रहे। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले कन्वेंशनली क्या क्या यूज़ होता है इसमें। इसमें मॉडर्न मेडिसिन में एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, या फिर डायूरेटिक्स जो आपके यूरिन एकदम से बाहर निकाल दें और आपका बीपी नॉर्मल हो जाए, वो बीपी लोअरिंग एजेंट्स हैं। सिर्फ आपकी जो भी केमिकल्स वो देते हैं या जितने भी सिंथेसाइज हैं, वो आपको इमिजिएटली तो खैर नहीं नुकसान करेंगे, लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। उसका मैनेजमेंट, की बीपी हाई होने की वजह से जो नुकसान है वो ना हो, उसके लिए वो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो वो लेना भी एक तरीके से ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि हम उसको ठीक कैसे करें। उसके लिए आपको एक होम्योपैथी ऐसी पैथी है जो 250 साल पहले इस धरती पे हैनीमैन नाम के एक प्राणी ने इसको डिस्कवर किया, और है ना, उसके गुड इफ़ेक्ट से आज हम इतने लोगों का फ़ायदा कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बून है, आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें होम्योपैथी में हम मैनेज तो करेंगे ही, साथ में फ़ायदा भी देंगे आपको कि आपका ब्लड प्रेशर ओवर हाई ना जाए, और साथ में आपको बेनिफिट भी आपको मिलता जाए कि आपका जो मेन रूट कॉज है वो भी ख़त्म होता जाए। होम्योपैथी से हमने इसका जो रूट कॉज निकालना होता है कि बीपी हाई क्यों हो रहा है, क्या किडनी की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्या हार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्या सिर्फ और सिर्फ ओवर वर्क की वजह से या स्ट्रेस की वजह से ये कारण है, तो हमें कारण को ठीक करना है। उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, जैसे ब्राइनिया, ग्लोनॉइन, इग्निशिया, जो आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल कॉजेस को देख के हम सिलेक्ट की जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, रोवोल्फिया तो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है इसके लिए, वो सिलेक्ट की जाएगी कि क्या कारण है आपके उसका, और उसको हम ट्रीट करेंगे। तो कहने का ये मतलब है, जो टिप्स हमारी जो बनती हैं आज की, वो 4 टिप्स हैं। नंबर 1, अपना एक्सरसाइज एक रिजीम बनाइए, जिसमें आपका, जिससे क्या होता है कि हमारे स्ट्रेस ख़त्म होगा और हमारा जो बॉडी एक्टिव होगा, हर एक ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट, किडनी, इन सब की भी एक्सरसाइज होती है जब हम एक्सरसाइज हम फिजिकली करते हैं, तो आपका बीपी कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो कम होंगे। नंबर 2, हमें जो मेडिसिन्स बीपी की हैं, वो अगर आपकी चल रही हैं तो उसको लेना है टाइम पे, लेकिन साथ में आप होम्योपैथी के गुडनेस भी ऐड कीजिए,
जिससे कि आपका जो रूट कॉज है बीपी का वो भी ठीक हो, जिससे आपका नेचुरली आपका बीपी कम होता जाएगा और आपके डॉक्टर ही जो हाइपरटेंशन देख रहे हैं वो साथ साथ ही उसको कम करते जाएंगे डोजेज आपका। नंबर फोर, आपको जो है अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं कि जैसे आप सॉल्ट हाई क्वांटिटी में लेते हैं वो कम लेना है आपको। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा फास्ट फूड ना खाएं जिसमें MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या इस तरह के बेकिंग सोडा एक्सेसिव होता है, क्योंकि वो भी एक बीपी इंक्रीज़ होने का कारण है। कोई प्रिजर्व फूड्स आप ना खाएं, आप नेचुरल चीज़ें खाएं, ऊपर से कच्चा सलाद या कच्चा सॉल्ट ना डालें अपने सलाद के ऊपर। आप कुक्ड फॉर्म में सॉल्ट लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपने अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। और नंबर फोर पॉइंट ये है कि आपने होम्योपैथी अपने डाइट में ऐड करना है। होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें या आप मुझे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं लाइब्रेट के थ्रू, या ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं doctordhawan.com पर, और मेरे से फ्री कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट आई कैन गाइड यू। ऑल द बेस्ट।